नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। और देखिए झमाझम बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत ही मस्त बारिश हो रखी है। और दो दिन से अच्छे से बारिश नहीं हुई थी, मेरे पौधों के लिए पानी नहीं मिला था। और आप देखिए शाम के टाइम पे मेरे पौधे बिल्कुल सूख चुके थे और मुझे देने था पानी। तो देखिए भगवान जी ने मेरी बात सुन ली, मैंने कहा भगवान जी बारिश हो जाए और मेरे पौधों को अच्छा पानी मिल जाए। तो मेरे पैर पर लगी हुई है चोट, ये देखिए, और डॉक्टर ने बोला है, मना किया है चलने फिरने के लिए। इसीलिए मैंने भगवान जी से अर्ज लगाया कि मेरे भगवान जी मेरे बारिश कर दें ताकि मेरे पानी मेरे पौधों को मिल जाए। तो मेरी भगवान जी ने बड़ी जल्दी सुन ली। और ये देखिए बारिश, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। और मेरे पौधे देखिए कितने आराम से गीले हो रखे हैं। और ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर शेड है थोड़ा सा, तो मेरे पौधों के ऊपर पानी नहीं गिर पाता, नहीं आता इधर पर। देखिए यहाँ पे पानी नहीं, इतना गिर नहीं पा रहा है। ये देखिए अगर तिरछी बारिश होगी तो मेरे पौधों में इस साइड में पानी आ जाता है। तो ये देखिए तब भी मैंने थोड़े थोड़े आगे कर दिए, ये देखिए जगह से आगे कर दिए पौधे ताकि मेरे पौधों में अच्छे से पानी आ जाए। और बारिश तो बहुत तेज की है, ये देखिए हवा के साथ बारिश चल रही है। तो बारिश का रुख इस साइड में है, इस साइड में है बारिश का रुख। और देखिए पौधे हो गए हैं बहुत खुश, ये देखिए। और पीछे की साइड में मैं जाऊंगी, वहाँ का मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये खिड़की में रखे हुए पौधे भी मैंने अभी नीचे रख दिए हैं, ये देखिए, ताकि इनमें भी थोड़ा बारिश का पानी गिर जाए। और यहाँ सामने पे मेरे रखे हुए, यहाँ पे भी मेरी बारिश नहीं आती है, इनको भी मैं हटा के नीचे रख देती हूँ ताकि इनको भी थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी मिल जाए। देखिए इनको मैं रख रही हूँ धीरे धीरे, देखिए ये देखिए इनको ही बारिश का पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे छोटे छोटे पौधे हैं, इनको सबको मैं बारिश के पानी, यहाँ पर दूसरी साइड में मेरा बारिश नहीं आती है। देखिए बारिश पड़ती नहीं है क्योंकि ऊपर ऊपर हमारा शेड सा है, तो बारिश नहीं आती है इस साइड में, तो मैंने रख ली है यहाँ पे। ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉट हैं मेरे, सेरेमिक पॉट हैं, तो इनको भी मैं उतार उतार के नीचे रख रही हूँ। ये देखिए मैंने रख लिए हैं यहाँ पे सारे के सारे पौधे, जो मेरे यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी थे वो भी मैंने रख लिया। और ये भी मैं रख लेती हूँ, देखिए ये देखिए छोटे छोटे पौधे भी मैंने रख लिए हैं यहाँ पे। ये देखिए एडेनियम मैंने हटा के यहाँ पे रख दिया शेड वाली जगह में, ये देखिए यहाँ पे रख दिया है क्योंकि एडेनियम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़्यादा पानी गिरने से एडेनियम का जो ये चीज़ होता है ना मोटा वाला हिस्सा, वो सड़ने का डर रहता है। तो ये हटा ली है और ये कटिंग है, इसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। तो ये सारी देखिए ये सैकुलेंट है, ये भी मैंने हटा के यहाँ शेड में कर लिया है। जैसी बारिश आती है वैसे ही मैं सारे पौधे हटा देती हूँ। देखिए ये भी मेरा हटाना पड़ेगा, पत्थर चट्टा के पौधे हैं, तो ये काम हमको बहुत ज़रूरी करना पड़ता है। जैसी बारिश होती है कौन से पौधों को ज़्यादा पानी है, कौन से पौधों को कम पानी है, वो पौधे फटाफट फटाफट हमको हटाने पड़ते हैं। वही देखिए बारिश, देखिए मैं बाहर नहीं जा सकती, शेड के नीचे खड़ी हूँ ताकि बारिश बहुत तेज के मेरे कैमरे में पानी गिर जाएगा, तो इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रही। पानी देखिए, बारिश देखिए, पत्तों में देखिए, ये देखिए थोड़ा सा बाहर जाके आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए खूब तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए, और पौधे हो गए हैं बहुत खुश। दो दिन के बाद बारिश पड़ी है हमारे यहाँ पर, फटाफट वो काम कर लेती हूँ जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, फटाफट से उनको हटा लेती हूँ। और जिनको पानी चाहिए होता है शेड में होते हैं उनको फटाफट मैं बारिश के पानी में रख लेती हूँ। यह बारिश के टाइम पे मैं बहुत ज़रूर करती हूँ यह काम। बारिश होगी है कम, थोड़ी थोड़ी हल्की होगी बारिश, जैसे एकदम तेज़ बारिश आई थी, एकदम तेज़ बारिश आई थी, अब थोड़ी हल्की हो गई है, धीमी होगी है, परंतु अभी थोड़ी और आनी चाहिए बारिश ताकि अच्छे से पौधे तर हो जाएं, एकदम से अच्छे से भीग जाएं। ये देखिए मैं अपने आप को पौधे दिखा रही हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको आसमान से आवाज़ आ रही होगी गड़गड़ करने की, आसमान गड़गड़ा रहा है। ये देखिए पौधे
करीब करीब अच्छे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा मनी प्लांट, मैंने अभी परसों ही ठीक किया था इसको, यहाँ पे भी इसको भी पानी मिल गया। इसी के साथ ही मैं करती हूँ वीडियो अपनी समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी है तो कमेंट्स भी ज़रूर करें, अच्छे और बुरी के बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।